भाई साहब, ये क्या मूवी है, क्या मूवी है! इसके सामने क्या कंतारा, क्या गॉडफादर, क्या द घोस्ट, क्या विक्रम वेदा, क्या पोन्नियिन सेल्वन! इस मूवी के आगे ये सब भाई बिल्कुल एक चीटी है, चीटी। असली मूवी, असली डायरेक्शन, असली कैमरा का काम। अगर आपको देखना हो तो ये मूवी देखो, चलो शो, जिसको द लास्ट शो के नाम से आज हिंदी में रिलीज किया गया है। सिनेमा के जरिए आशा और मासूमियत का मिल, 9 साल के बच्चे के सुनहरे सपनों की कहानी। गुजराती में छेलो का मतलब होता है अंतिम, इसलिए इसे छेलो शो द लास्ट फिल्म का नाम दिया गया है। यह कहानी एक 9 साल के ऐसे बच्चे की है जो जानना चाहता है कि आखिर थिएटर में प्रोजेक्टर से फिल्में कैसे चलती हैं। अपने इसी सोच और जुनून के चलते वह गाँव के बच्चों की मदद से साइकिल के पहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब और तमाम तरह के मान को इकट्ठा करके प्रोजेक्टर तैयार करने की कोशिश करता है। फिल्म को अगले वर्ष होने वाले ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत की तरफ से भेजा जाएगा। बट कंट्रोवर्सी ये है कि यह फिल्म एक भारतीय निर्माता की बनाई गई फिल्म है ही नहीं, और यहाँ तक फिल्म एक विदेशी फिल्म से प्रेरित होने के बाद भी बीते साल ही रिलीज हो चुकी है, जिसको अब तक हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा और ऑडियंस के द्वारा बोले जाने के बाद इस फिल्म को आज हिंदी में रिलीज किया गया है। आज ये फिल्म कंतारा, डॉक्टर जी और कोड नेम तिरंगा, इन तीनों फिल्म के साथ कम्पीट करेगी थिएटर्स में। फिल्म छेलो शो की कहानी गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के गांव चलाला में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे समय के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। कहानी जिस समय में सेट की गई है उस वक्त प्रोजेक्टर के जरिए सिनेमा दिखाया जाता था। यह छोटा सा बच्चा फजल नाम के एक सिनेमा थिएटर टेक्नीशियन को रिश्वत देकर एक हॉल में प्रोजेक्शन बूथ में प्रवेश कर लेता है और इसी तरह वह कई फिल्में देखता है। फिल्में देखते देखते उसके मन में यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर फिल्में प्रोजेक्टर के माध्यम से कैसे चलती हैं। भाई साहब, वह अपने माइंड को यूज करके गांव के बच्चों की मदद से एक नकली या सस्ता सा प्रोजेक्टर तैयार करता है और रील चुरा कर खुद के द्वारा बनाए गए तकनीक से गांव के पास एक खंडर में फिल्म देखता है। लेकिन अभी भी वह ऐसी तकनीक की खोज में है जिससे फिल्म के दृश्य के साथ साथ आवाज भी सुनाई दे। समय के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने, बट उनकी इच्छा से विपरीत चलने के बाद इस छोटे से 9 साल के बच्चे खूब पिटाई होती है बचपन में। जब लेकिन उसके माँ बाप देखते हैं कि उनका बेटा कबाड़ का सामान इकट्ठा करके एक प्रोजेक्टर बना रहा है, तो वह उसको देख के बहुत भावुक हो जाते हैं। वह इस बात को समझ जाते हैं कि उनका बेटा क्या करना चाहता है और उसे पढ़ाई के लिए अहमदाबाद भेज देते हैं। लेकिन इससे पहले जब समय को पता चलता है कि डिजिटल तकनीकी के आने से सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर और रील्स कबाड़ में बेचे जा रहे हैं, तो वह बहुत दुखी होता है। प्रोजेक्टर को गलाकर उसके बर्तन बनाए जा रहे हैं, ओ भाई साहब, और रील्स को गलाकर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई जा रही हैं, भाई साहब, सो सैड। समय उन रंग बिरंगी चूड़ियों में बॉलीवुड के सभी बड़े सितारों को देखता है। उसको समझ में आ जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बस इस फिल्म में यही दिखाया गया है, इस 9 साल के बच्चे कहानी की, कैसे वो अपनी जिंदगी में सिनेमा को इस तरह घोल लेता है कि आज यह 9 साल का बच्चा रियल लाइफ में मौजूद नहीं है, ये हमें छोड़ के जा चुका है कुछ हफ्तों पहले। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।